हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है मॉम्स फूड डायरी में। तो आज हम बनाने वाले हैं दो टाइप के झटपट नाश्ता, जो चावल की वर्मिसली यानी कि सेवैयाँ होती हैं उससे, एक तीखा नाश्ता और एक मीठा नाश्ता। बहुत ही झटपट बनता है ये, आसानी से बनता है। तो यहाँ पे देखिए, जो चावल की वर्मिसली आसानी से आपको बाजार में उपलब्ध है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसको तैयार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक कढ़ाई में इसको लिया है और हमने इसमें बॉईल किया हुआ जो गरम गरम पानी होता है वो हमको इसमें ऐड करना है और इसको 4 मिनट तक ऐसे रखना है, तो ये तैयार हो जाएंगे। तो इसको हम डायरेक्टली पकाते नहीं, यही तरीका होता है इसको, जो राइस वर्मिसली, जो चावल के वर्मिसली होती है, इसको पकाने का तरीका यही है। इसके बाद ये तैयार हो जाएंगे, उसके बाद हम पानी ड्रेन कर हमारी सेवैयाँ को हमारे रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखें, हम इसको ड्रेन करेंगे एक छन्नी की मदद से। तो कितने सॉफ्ट हो गई है देखिए, आप देख पा रहे होंगे। तो इसके बाद पानी ड्रेन होने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले अब हम बनाएंगे तीखा नाश्ता। तो हमने एक कढ़ाई में हमको डालना है 2 टेबल स्पून तेल। तो यहाँ पे हम तड़का लगाएंगे यानी कि जो इसको बघारना बोलते हैं, तो वो। इसके बाद हम यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से तैयार है। इसके हम 2 भाग कर लेंगे, ये टोटल 400 ग्राम है। 200 200 ग्राम हम हमारी तीखे और मीठे में यूज करेंगे। तो ये 200 ग्राम के 2 भाग कर दिए हमने। तो यहाँ पे देखिए, अब हम डालेंगे इसमें राई कढ़ाई में, उसके बाद हम डालेंगे कड़ी पत्ता थोड़े से। तो यहाँ पे हम तड़का लगा रहे हैं, ये मसाला तैयार कर रहे हैं। और अब हम इसमें हरी मिर्च को हमने चॉप करके रखा है, थोड़ी सी हरी मिर्च ली है हमने, वो हमने इसमें ऐड कर दी। दोस्तों, हमको सिवैयाँ को बिल्कुल ही पकाना नहीं है, हम इसका सिर्फ मसाला तैयार कर लेंगे, बाद में सिर्फ हमको सिवैयाँ को मिक्स करना है क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी तैयार करके रखा है। तो इसको हम मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने एक बड़ी प्याज को चॉप कर कर रखा है, जो हम नेक्स्ट डालेंगे इसमें। तो ये झटपट बनने वाला नाश्ता आप जरूर बनाएं और आपको बहुत पसंद आएगी। ये दोनों ही नाश्ते अल्टीमेट हैं और ज़्यादा टेस्टी हैं। यहाँ पे हमने प्याज, एक बड़ी सी प्याज को चॉप करके इसमें ऐड कर दिया, उसको अच्छी तरीके से पूरी आँच होगी, उसको मिक्स करते हुए पकाएंगे जब तक प्याज गोल्डन कलर की नहीं हो जाती। कंप्लीटली इसको पकाते जाएंगे हम। उसके बाद एक बार प्याज रेडी होने के बाद हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर को चॉप कर कर रखा है, जो हम उसके बाद ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए, हमारी प्याज रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसी बीच में हमारे जो थोड़ी चीज़ें हैं वो ऐड कर लेंगे। जैसे कि हम इसके बाद हम 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे, जो कि टर्मरिक पाउडर होता है। और यहाँ पे हमने जो तीखा वाला जो हमारा नाश्ता है, इसमें हमने एज अ ड्राई फ्रूट यहाँ पे हमने पीनट्स यानी कि जो सिंगदाना होता है वो यूज़ किया है, और जो कच्चे पीनट्स होते हैं जो बाजार में मिलते हैं वो हमने यूज़ किए। तो यहाँ पे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालने के बाद मिक्स करेंगे इसको। एक बार ये मसाला कम्प्लीटली रेडी होने के बाद हम स्टोव को बंद करेंगे और हमारी सिवैयाँ ऐड करेंगे। और अभी हम पीनट्स ऐड करेंगे, जो कच्चे सिंगदाना होते हैं वो हमने लिए, थोड़े हमने लिए हैं इसमें। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं थोड़ा सा। अब हम डालेंगे इसमें नमक स्वादानुसार। दोस्तों, अब हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे, लेकिन जब हमने शुरू में सिवैया को बॉइलिंग वाटर उसमें ऐड किया था, तभी भी उस वाटर जो हमने बॉईल किया था उसमें भी हमने 1 टीस्पून नमक डाल के यूज़ किया था। तो यहाँ पे ये हम रेसिपी के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हमने अभी नमक ऐड किया इसमें थोड़ा सा, और अब हम थोड़े से चॉप किए हुए हरा धनिया भी इसमें ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे, तो ये कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। और इसको हम स्टोव बंद करके हमारी सिवैया ऐड करेंगे। ये जो कोथमीर यानी कि जो हरा धनिया होता है वो हम इसमें ऐड करेंगे, तो ये हमारा मसाला बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि हमारी सिवैयाँ बनेंगी तीखी वाली। ये सबसे पहले हमारा, यहाँ पे देखिए, ये हमारी सिवैयाँ जो 1 भाग है उसका 200 ग्राम्स, वो अब हम स्टोव को हमने बंद कर दिया है। मसाला हमारा कम्प्लीटली मिक्स हो चुका है, रेडी भी है। तो ज़रूर ध्यान में रखिए, हमने स्टोव को बंद कर लिया है। अब हम डालेंगे हमारी सिवैयाँ जो कि हमने रेडी करके रखी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, सिवैया को हमको पकाना नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हमने पानी में, जो हमने आपको प्रोसेस दिखाया है वो उसके हिसाब से हमने पका लिया था। अब हम सिर्फ उसको ऐड करेंगे, सिर्फ हमको मिक्स करना है, तो हमको नीचे आँच नहीं चाहिए इसको बिल्कुल ही। कम्प्लीटली और थरोली इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, हमने नीचे ही उतार लिया है। तो हम चाय नाश्ते के साथ सर्व करेंगे। आप इसको शाम के वक्त भी बना सकते हैं, सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं, या अगर कोई गेस्ट आता है आपके घर में तब भी आप इसको बना सकते हैं। झटपट बनने वाले दोनों ही रेसिपी है हमारे, तो
ब्रेकफास्ट की, तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारे मीठे वाली रेसिपी है। तो ये देखिए, इसको कम्प्लीटली मिक्स करेंगे। यहाँ पे देखिए ये तैयार है बिल्कुल ही। तो आप बढ़ते हैं हमारे मीठे नाश्ते की तरफ। हमें यहाँ पे देखिए मीठे नाश्ते के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट यहाँ तो नारियल होता है। नारियल हमने एक हाफ नारियल को, फ्रेश कोकोनट को हमने कद्दूकस यानी कि ग्रेट करके लिया है। अगर जो नारियल अगर बड़ा है तो आप हाफ लीजिए, अगर छोटा सा नारियल है मीडियम साइज का तो आप पूरा भी ले सकते हैं। तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें 50 ग्राम कद्दूकस किया हुआ गुड़। दोस्तों जब ये गुड़ और नारियल मिक्स होकर जो उसमें जो पानी निकलेगा और जो सिवैया ऐड होंगी इसमें, तो जो कंप्लीट टेस्ट आएगा, साथ ही साथ जो कार्डामम पाउडर का फ्लेवर आएगा इसमें, हाफ टीस्पून हमने ऐड किया है कार्डामम यानी कि इलायची पाउडर, तो ये खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो ये हमारा मेथड है, ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें नारियल है, फ्रेश कोकोनट, गुड़ है और थोड़ा सी इलायची है। अगर थोड़ा सा नारियल आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसमें, और भी ज़्यादा टेस्ट आएगा। और जब आप उसको खाएंगे तो ये मीठा मीठा लगेगा, और जो नारियल के एसेंस और जो इलायची का फ्लेवर आएगा इसमें बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा खाने में। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम। कम्प्लीटली मिक्स होने के बाद ही हम इसमें हमारी सेवई ऐड करेंगे। और अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा टेस्ट के लिए डालेंगे हम नमक। और इसको कम्प्लीटली मिक्स कर लेना है, ये गुड़ नारियल और जो हमने इलायची पाउडर ऐड किया है। तो इसको एक बार अच्छा मिक्स, अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद ही हमारी जो चावल की सिवैयाँ हैं वो इसमें ऐड करेंगे। दोस्तों अगर आप दोनों में से ये जो नाश्ता है ये आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे देखिए थोड़े से काजू हमने रोस्ट यानी कि भून कर रखे हैं, पीस कर कर जो हमने रोस्ट किया था उसको, काजू को, कैशू नट्स को, वो हम इसमें ऐड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे मीठे में काजू यूज़ किया है और तीखे में हमने सिंगदाना यूज़ किया है ड्राई फ्रूट, तो आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं काजू की क्वांटिटी। एक बार ये मिक्स होने के बाद फाइनली हमारे जो सिवैया का जो दूसरा भाग है जो 200 ग्राम का, वो इसमें ऐड करेंगे। एक बार ये ऐड होने के बाद उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और उसको परोसेंगे। दोस्तों ये दोनों नाश्ते आपको कैसे लगे हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप तक अभी तक आपने चावल की वर्मीसेली जो होती है वो आपने यूज़ नहीं किया तो ज़रूर यूज़ करें। ये आसानी से मार्केट में पैकेट्स में आपको अवेलेबल होती है। और हमें नीचे जरूर बताएं आपको दोनों में से कौन सी अच्छी लगी। यहाँ पे देखिए ये तीखा वाला है तो हमने रेडी करके रखा है जो सिवैया है, और जो उसके बाजू में हमने मीठे वाले रखे हैं, तो हमें जरूर बताएं कमेंट्स में। और जो नए दोस्त हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अगर आपको अच्छी लगती है हमारी रेसिपीज, या आपको रेसिपी अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप करिए। दोस्तों मैं आपके बताता हूँ अच्छी अच्छी रेसिपीज, जो नॉर्मल रेसिपीज भी हम कैसे हेल्दी बना सकते हैं, झटपट बनने वाले रेसिपीज। आपको कौन सी अच्छी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आई हो ये रेसिपीज तो ज़रूर इसको लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। हमारे बाकी रेसिपीज भी चेकआउट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, देखते रहें हमारे बाकी रेसिपीज। फिर मिलते हैं एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। खाते रहिए, इंजॉय करिए। फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़।